हेलो, गुड मॉर्निंग। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं निकल रहा हूँ पुष्कर के लिए। किसके साथ जा रहा हूँ वो सब मैं आपको रास्ते में बताता हूँ। अभी तो मैं फटाफट से गाड़ी में लगेज बांधता हूँ। लगेज तो क्या है, एक ही बैग है, उसको पीछे बांध के आराम से निकलता हूँ बाइक। तो अब फटाफट से निकलते हैं अपनी रोड ट्रिप की ओर। और गाड़ी देखो कितनी प्यारी लग रही है। अभी इसको थोड़ी देर वॉक करता है, उसके बाद फिर निकलता है। अभी तो मैं आ चुका हूँ फिलहाल तो ऋषभ के घर पे। अभी उसे पिक करूँगा और पहले ये लगेज बांधना है, इसको बांधना क्योंकि ये बहुत भारी हो चुका है। कमर तो देगी जो भी पहनेगा इसको। और बाकी तो ठंड तो मस्त है भाई, मत पूछो, मज़ा आ रहा है। काफ़ी दिनों बाद राइड कर रहा हूँ यार मैं। फिर क्योंकि तो पता ही होगा कि पुष्कर जयपुर से कितना पड़ता है, फिर भी किलोमीटर के 150 किलोमीटर पड़ता है जयपुर से। और आना जाना पड़ जाएगा 300 साढ़े 300 किलोमीटर, क्योंकि हम अजमेर भी घूमेंगे, अच्छे से एक्सप्लोर करके आएंगे, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं जा रहा हूँ राइड पे, वो भी 150 किलोमीटर, क्योंकि मैं लास्ट जाके आया था मैं हिमाचल, उसके बाद मैं कहीं पे गया ही नहीं। भाई साहब, किसी को स्कूल में एडमिशन लेना हो तो ये अपना स्कूल है, देख लो ना, पढ़ लो, न्यू चाइल्ड अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बस विजिट एक ये भाई साहब और एक हमारे संजू भाई साहब, कभी टाइम पे नहीं आएंगे, कभी भी इनके चक्कर में हम लेट होते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं बस, ऐसे गाड़ी में सामान लद के बस वेट करो इनका, मारा आ जाओगे। पधारो मारे देश। अभी भी कह रहा हूँ जिसको एडमिशन चाहिए तो ले सकता है, एडमिशन ओपन है न्यू चाइल्ड अकेडमी में। चलो पिकनिक बनाने जा रहा है क्या? ब्रश वगैरह सब लेके निकाल, तो सारा सामान निकाल इसमें डाल, छेती छेती ऑन कैमरा। अरे तो इधर निकाल लेना, क्या दिक्कत, शर्मा क्या रहा है इसमें, कच्चे ही तो है, और क्या करेगा। देख सबसे पहले ब्रो नाश्ता करेंगे सुबह, पहले रुक के आलू के परांठे, आलू के परांठे खाएंगे सबसे पहले, आलू के परांठे और गर्मा गर्म चाय। ये सब भसड़ होती है ट्रिप पर जाने से पहले, तो बांधने की दिक्कत। मैं कह रहा हूँ ऋषभ को, ऋषभ एक टूरिंग बाइक ले ले। नहीं मेरे पास मेरी R15 V4 है, वो ज़्यादा अच्छी है, वो अंदर अभी आराम कर रही है, खड़ी होगी बेचारी। आज बाइक में है ना, मेरे घर वालों की पे जिम्मेदारी पे छोड़ के जा रहा हूँ। ध्यान से ख्याल रखना उसका। भैया लेके जा रही हो? नहीं भैया लेके नहीं जाते, वैलेंटाइन डे आ रहा है ना। नाटी हो रहा है, नाटी आ रहा है, सुन तो नहीं रहे ऊपर से। कोई कोई बात नहीं, एक चप्पल आ जाएगी उठते उठते तेरे ऊपर। ऑल सेट, इस बैग की तो हमने हत्या ही कर दी, गला घोड़ दिया इसका तो, ऐसे बांध के बहुत ही जुर्म करा। ऋषभ रेडी? यस रेडी। तो चल बैठना गाड़ी में, चेन का क्या कर रहा है? पैसे रखो। हाँ हाँ पैसे इधर ही छोड़ जाइए, जैकेट चलो, जैकेट साथ लेके चलेंगे। चलो फटाफट पहन हेलमेट, चल निकलो अपन फिर भी। अब मेरे पास तो माउंट तो है नहीं, अभी कैमरा भी नहीं लाया मैं, इसमें फोन पकड़ के बनाता रहेगा। हाँ इसका उसमें डाल दे, क्या हो गया? Can you see the sunrise? ब्यूटीफुल। मेरे को लगा था आएगा ही नहीं क्योंकि बादल ही बादल हो रहे, फिर भी आ गया, कितना प्यारा लग रहा। तो अभी हम रुके हैं नीलम गार्डन रेस्टोरेंट, गार्डन के साथ रेस्टोरेंट भी है। तो अभी हमने जस्ट 70 किलोमीटर रन करा है। एक्सपीरियंस कैसा है 70 किलोमीटर में ऋषभ? पता नहीं, मैं तो सो रहा था। ये तो मैं सो रहा था, मैं बाइक चला रहा था, मेरे को पता है भाई ठंड जो लग रही थी ना आगे। चलो हमारे परांठे भी आ गए। और ये मेरा वाला है पनीर परांठा और इसका है आलू परांठा, और उन्होंने साथ में छोले और दही दिए। साथ में देखिए, ये पैसे लगेंगे इसके। पैसे लगे कर तो दिया वापस भाई। नहीं चाहिए। चलो अपन चालू करते हैं अपना।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. अभी अजमेर बचा है यहाँ से कम 10 किलोमीटर, अब यहाँ से पुल से नीचे हो रहा है। मैं इसको अभी भी ऑफर दे रहा हूँ, चलना है क्या माउंट आबू? ज़्यादा दूर नहीं है ब्रो, यहाँ से सीधे जाना है। 400 किलोमीटर बचा है बस माउंट आबू। मैं कह रहा हूँ इसको अभी अपन निकल लेते हैं माउंट आबू भाई, बहुत अच्छा ऑफर है यार भाई। कल सुबह दिहाड़ी पे जाना है समझ, मैंने ऑफिस वाले दिहाड़ी काट लेंगे कल की। मैं से मनाता हूँ रास्ते में, अभी देखता हूँ, मान जाए तो ठीक है, वरना पुष्कर ही घूम के आ जाएंगे, और तो क्या ही कर सकते हैं हम। दो जगह ना किसी के चौचले भी नहीं है भाई। भाई ऑफिस वाले दिहाड़ी काट लेंगे समझे, तो कोई ना। इसके रहते हमने ये डिसीजन लिया है कि हम जा रहे हैं पुष्कर माउंट आबू। है दिल तोड़ दिया तूने यार, दिल तोड़ दिया। अभी 10 किलोमीटर और बचा है, उसके बाद फिर पुष्कर आएगा, उसके बाद फिर माउंट आबू। क्या मतलब तू पीछे हट के सोने वाला और तुरंत 400 किलोमीटर चला है? पाली में पहुंच के बात करते हैं। क्या नाम है तेरा? अरे नाम तो बता दे, कहाँ का रहने वाला है? प्रवेश द्वार पे खड़े, वो रहा अजमेर का प्रवेश द्वार। यहाँ से पुष्कर करीबन 20-25 किलोमीटर है। अब पुष्कर ये देखेंगे, फोन बीच में फोन निकालने की हिम्मत नहीं होगी। खाना इसको सर 10 रुपए दिए पूरे, खा ले इसको। तो अभी हम अभी सागर लेक पे, और ये देखो कितने प्यारे हैं। शू कहेंगे उनके बीच में लड़ाई दो क्या आप वो लेके भागा एक और होगा, थोड़ा दूर फिर नाम याद नहीं आता। ले दिखाइए बॉडी तेरी, अरे कुछ और ही दिख रहा है तो। तो अब अभी हम जाने वाले इसमें ठंडा पानी। ये क्या हो रहा है? हाँ तो कैसे आप लोग, अभी हम रुके हैं कैफे में। एक्चुअली हम पहुंच चुके हैं, बहुत रैंडम तरीके से ये कैफ़े मिला है हमें पहले, हमने पहले जब आए थे तब तो देखा नहीं था, आज पता नहीं कैसे दिखा। और यहाँ से व्यू यार एक नंबर व्यू है सही में, पर देखो तो ये जगह व्यू देखो आप, एक नंबर व्यू है। और अभी रिशा अभी फ्रेश हो नीचे हो जा। तो अभी हमने यहाँ पे स्नान भी कर लिया, वो देख रहे हो यहीं पे पास में घाट है,
ये कौन से घाटे जो भी होगी, और यहाँ पे ज़रूर आना, बहुत ही अच्छा कैफ़े है, अंदर जाके सेटिंग में बहुत प्यारी है। मैं वीडियो स्टैंड ढंग से उठा, डॉक्टर अलोन नाम से है, इधर ज़रूर विजिट करना, जस्ट घाट के पास में, और घाट का जो व्यू आता है ना इधर से, एक नंबर व्यू आता है घाट से। अब हम निकल रहे हैं, अब थोड़ा बहुत मौसम भी ख़राब हो रहा है, तो पहले तो मतलब कि मार्केट है वो एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद जो स्ट्रीट फूड है यहाँ के फेमस वो खाएंगे, उसके बाद फिर निकलते हैं फटाफट जयपुर के लिए, क्योंकि मेरे को गीला नहीं होना इस बारिश में। बाइक देखो क्या लग रही है एक बार, इसके तो अलग ही मजा है। चल बे, इतनी देर से राइड करने के बाद हालत कुछ ऐसे हो जाती है, देख सकते हो। तो यहाँ से जयपुर करीबन रह गया 100 किलोमीटर, और हम थोड़ा सा नैप ले रहे हैं क्योंकि हालत ख़राब हो गई गाड़ी चला चला के सही में, और ऊपर से ठंडे पानी में नहाए जो हाँ मज़ा ही आ गया। क्या कह रहे तू, चाय के क्या करूँ? ठीक है, जो आप घर पहुँच के बात करो।